वैसे स्मृति ईरानी बार बार राहुल गांधी को चुनौती दे रही हैं कि वो अमेठी से उनके खिलाफ चुनाव लड़ें। राहुल गांधी ने कोई निर्णय तो नहीं लिया है कि वो क्या अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने यह बात कही है और उन्होंने यहां तक कहा है कि उन्हें कई और पार्टियों से भी वहां से लड़ने का ऑफर दिया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अमेठी से मैं हूं और प्रियंका रायबरेली से हैं, जो भी कांग्रेस पार्टी चुनेगी। तो क्या अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा और रायबरेली से प्रियंका गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे? तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी चुनेगी और चाहे गांधी परिवार से हो या कोई और कांग्रेस के आदमी हो जिनसे या महिला हो जो वहां प्रगति ला सकते हैं और जो स्मृति ईरानी नहीं कर पाए वो मेहनत करें। और तो मुझे लग रहा है अभी मैं प्रियंका की क्या सोच है या गांधी और बाकी लोगों की क्या सोच है उसके बारे में मैं अपनी कोई विशेष टिप्पणी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि वो उनकी सोच है, वो अमेठी को रिप्रेजेंट करें या देश के किसी और कोने को रिप्रेजेंट करें, वो क्योंकि मांग और पुकार गांधी परिवार या मेरे लिए हर जगह से आ रही है। अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार के वो दो गढ़ जिन पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस बीच गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने साफ साफ शब्दों में अमेठी से लड़ने की इच्छा जताई है। मैं फिर से कहूंगा कि जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जताया और राहुल को वहां से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहां वो भारी बहुमत से जिताएंगे, यहां तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहां अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूं और सांसद बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया। तो रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ना चाहते हैं और अमेठी से प्रत्याशी बनना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि दूसरी पार्टियों से भी उन्हें टिकट के ऑफर मिल रहे हैं। कि मैं इतने समय से काफी लोगों से मिलता हूं और उसमें अलग अलग सांसद होते हैं दूसरी पार्टियों से, तो वहां से जब मैं मिलता हूं तो उनसे प्रेम से भी वो मेरे से बोलते हैं कि आप हमारी पार्टी से आ जाइए और इतना समय क्यों लगा रहे हैं, आपको हम ही आगे भारी बहुमत से जिताएंगे। और तो खाली ये नहीं है कि अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग जगहों से भारत में देश में मतलब कि मेरे लिए पुकार आ रही है, वो अलग अलग पार्टियों से भी आ रही है कि आप हमारे तरफ से आ जाइए। बड़ी बात यह है कि रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से अमेठी सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा सोनिया गांधी के राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद जताई गई है। अभी तक ये साफ नहीं है कि अमेठी और रायबरेली से कौन लड़ेगा। ना तो राहुल ने अमेठी से चुनाव लड़ने से इनकार किया है और ना ही प्रियंका गांधी की तरफ से मना हुआ है। इस बीच रॉबर्ट वाड्रा का अमेठी से दावेदारी ठोकने के बड़े सियासी मायने हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो